सांसद विक्रम उसेंडी ने कहा, कांकेर जिले की अंतागढ़ विधानसभा में 16,000 प्रधानमंत्री आवास बनने चाहिए थे, जो कि नहीं बनने पर गरीबों के हक का हनन हुआ है। अंतागढ़ विधानसभा का ये हमारा परलकोट का हृदय स्थल पखांजूर में, यहाँ पर विधानसभा स्तरीय आज यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो बनने चाहिए थे, यहाँ पर करीबन 16,000 से ज्यादा, यहाँ पर इस क्षेत्र में अभी तक 2018 के बाद जब से भूपेश बघेल की सरकार यहाँ से अनुपनाग विधायक बने हैं, तो यहाँ के किसी भी गरीब परिवार का एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं। केंद्र से राशि जारी होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल की सरकार यहाँ के गरीबों का आवास नहीं बना पा रही है। इसके चलते आज यहाँ पर रैली के रूप में आज विधायक कार्यालय का भी घेराव था, उसके साथ साथ आज SDM कार्यालय का भी घेराव, उसके साथ हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी गरीबों का पक्का मकान होना चाहिए कहकर प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। पर प्रधानमंत्री आवास बना के देंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश की सरकार ने सिर्फ यहाँ पे हम 4 साल उनकी सरकार को हुई है और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरीबों का आवास को खा गया है। इनको सिर्फ नकली गांधी परिवार का चमचागिरी करने से फुर्सत नहीं है। मैं चाहूंगा कि कुर्सी में अगर बैठो इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता अगर बिठाई है तो आपको उस गरीब जनता का आवाज बनाना चाहिए जिसको मोदी जी ने आपको दिया था, और मोदी जी ने दिया था आप बना नहीं पाए, तो हिम्मत नहीं था, आपकी कुवत नहीं थी, उस पैसा को वापस कराए और नकली गांधी परिवार का चमचागिरी करना बंद करो। आज तो SDM कार्यालय का घेराव हम लोग किए हैं। आने यहां के कांग्रेस शासन के द्वारा गरीबों के आवास नहीं बनाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने विधायक अनूप नाग के नाम पखांजूर SDM को ज्ञापन सौंपा। धरना रैली प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों कार्यकर्तागण मौजूद रहे। स्वागत जिंदगी के लिए छत्तीसगढ़ से किरण सुलेमान की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि 2022 तक हर घर जो है छत उसका वो पक्का हो, परंतु ये भूपेश बघेल और उनके ये विधायक अनूप नाग की निष्क्रियता के चलते आज जितने भी हितग्राही और वंचित हैं, तो आपके माध्यम से आपसे निवेदन है, आग्रह है कि आप ये तमाम जो जनता आज ये घेराव करने पे मजबूर हुई है, इनकी आवाज आप सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे, ऐसा हम सभी आग्रह करते हैं।